नमस्कार जी, मैं मंजू। अभी आज मैं इस वीडियो में ये बताऊंगी कि इस टाइम आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि मेरे कई भाई बहनों ने खूब सारी पोत तैयार कर रखी होगी या करनी होगी, तो उससे पहले की तैयारियां आप क्या क्या कर सकते हैं। तो जिन मेरे भाई बहनों के ये जैसे पर्सलिन वगैरह लगे हैं, तो ये तो अभी भी खूब सारे खिल रहे हैं। मैंने काफ़ी कुछ तो निकाल दिए हैं, पर ये खिल रहे हैं, निकालने का मेरा मन नहीं हो रहा। अगर जिनके सीड तैयार हो रहे हैं, तो वो इनके जो सीड रखना चाहते हैं तो वो सीड अपने चुन लें। और इसी तरह से ये बिंका के भी सीड जिस तरह से ये तैयार हो रहे हैं, तो उन्हें भी ये चुन सकते हैं। ये अपने आप ही कब झड़ जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो इस से जो है आपके गमले आपको जो खाली मिलेंगे, और जो पौध लगाना चाहते हैं तो वो पौध, अभी तो बारिश जैसे बीच बीच में हो ही रही है, मेरे यहाँ भी हो रही है, खूब सारी बारिश हो रही है। तो मैं कुछ एक जो हार्डी प्लांट है जैसे जेवरीना, होली होक हुआ, ये तो मैंने ग्रो कर दिए, बट काफ़ी कुछ जो मैं अक्टूबर में ग्रो करना पसंद करती हूँ। तो कई सारी जो पौध होती है हमारे, उसे शुरू शुरू में थोड़ी ठंडक की ज़रूरत होती है, तो फिर जो 15 अक्टूबर तक मौसम सही हो जाता है, उससे पहले भी आप ग्रो कर सकते हैं। मैं काफ़ी सारे प्लांट्स करती हूँ, अगर चलते हैं ठीक है, तो नहीं फिर मैं दोबारा से सीड ग्रो करना पसंद कर देती हूँ। तो ये सब करती हूँ, और जो पुराने पुराने प्लांट्स हैं ये जैसे मैंने बता दिया कि निकालने हैं, और इनकी खाद बहुत ही बढ़िया बनती है। इसमें जो पर्सलिन वगैरह में न्यूट्रिएंट्स खूब सारे होते हैं, तो इनका आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं, अपने प्लांट्स में दे सकते हैं, चाहे तो इन्हें कंपोस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो आप जानते ही हैं कि जो पर्सलिन है ये पेरिनियल होते हैं, हमेशा हरे भरे रहने वाले होते हैं, और पूरा ये साल भर बने रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छी ग्रोथ हो, तो अगर आप इन्हें नहीं हटाना चाहते तो कुछ एक पोर्ट्स में इन्हें ऐसे लगे रहने दीजिए, जैसे ये मेरा ये टावर मैंने बनाया हुआ है, तो हर रोज़ इस पर खूब सारे फ्लावर्स आते रहते हैं, ढेरों फ्लावर्स इस पर आते ही रहते हैं, तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं हटाने वाली हूँ। और दूसरी बात, ये बालसम वगैरह जो है, बालसम में जो जो आपके सीड तैयार हो रहे हैं, तो वो सीड आप उनके टाइमली चुन लीजिए। इनके भी सीड ऐसे होते हैं कि एक बारी ज़रा सा हाथ लगा, जहाँ हवा चली, जहाँ टहनी एक दूसरे के साथ टच की, तो इनके सीड अपने आप ही जो है वो झड़ जाते हैं, तो आपको मिलेंगे भी नहीं। और अलग अलग कलर के चुनना चाहते हैं तो अलग अलग कलर के ही चुन के रख लीजिए। और इनको जो इनकी स्टेम को और नीचे जो ये फ्लावर्स वगैरह गिरते हैं, इनको बिल्कुल भी बेकार नहीं जाने देना है। तो हर रोज़ मुझे ये सफाई करनी पड़ती है, ये झाड़ू लगाना पड़ता है, और इसको मैं अपने गमलों में खाद के रूप में डाल देती हूँ। इनमें भी, इनके फूलों में बहुत सारे जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पत्तियों के साथ साथ, स्टेम के साथ साथ इनके जो फूल भी बड़े काम की चीज़ होती है, तो मैं ये अपने गमलों में इन्हें डाल देती हूँ, तो ये अच्छी खाद का काम देते हैं। और ये प्लांट्स भी जब इनके जो पुराने पुराने होने लगते हैं, जिनकी लाइफ आपको लगता है कि ख़त्म हो रही है, तो उन्हें भी आप जो कंपोस्ट में डाल सकते हैं, कंपोस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी रेन लिली भी, ये आपके अब कम हो गए हैं, तो इनके भी प्लांट्स बहुत सारे जैसे ढेर सारे बने होते हैं, तो अलग अलग करना चाहते हैं तो किसी पॉट में इन्हें डिवीज़न से अलग करके अभी लगा सकते हैं। और इसी तरह से और ऐसी ये वाले जो रेन लिली हैं, इनके भी, इनको भी आप अलग कर सकते हैं, बहुत सारे अगर एक गमले में हो गए हैं तो वो अलग किसी में मिक्स करके भी लगा सकते हैं। अगर बड़ा पॉट है आप, तो पिंक, येलो और ये सब वाइट कलर के मिक्स कर सकते हैं। बाकी अब बरसात जो है लंबे टाइम तक तो रहने वाली नहीं है, तो बरसात के टाइम जो है कई तरह के कीड़े जो तैयार हो जाते हैं, जैसे हमारे ये वेजिटेबल पर भी ये तैयार कुछ ना कुछ लग जाते हैं, तो सोपी वाटर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अभी। तो सोपी वाटर का इस्तेमाल ये है कि आप हफ्ते में जैसे अभी दो बारी कर सकते हैं, तो कीड़ों का जो काफ़ी कंट्रोल हो जाता है और वो फिर थोड़ा दूर ही रहते हैं। इसके साथ साथ जो मोस रोज़ वगैरह को आप बचाना चाहते हैं, तो बस किसी भी गमले में आप ऐसे लगा दीजिए, और केयर करने की ज़रूरत नहीं है, डंडी के साथ ही कट करके लगा दीजिए, तो ये तैयार हो जाएंगे और अगले साल भी आपके ये काम आएंगे। बाकी जो मिर्ची वगैरह आपकी ये पक रही हैं, तो इन्हें हार्वेस्ट कर लीजिए, ये हार्वेस्ट कर लेंगे तो फिर न्यू ग्रोथ होगी, और भी इसमें फ्लावर्स आएंगे, और फिर और भी मिर्चियाँ इनमें लगेंगी। वाटर लिली के अगर आपने नए नए प्लांट्स बना रखे हुए हैं, तो उन्हें फिर आप
जो लीफ से तैयार कर रखे हुए हैं तो उन्हें आप अच्छी खाद मिट्टी डाल के ग्रो कर दीजिए। पुराने जो गोमफ्रेना है आपके पास, जो सीड उनका लग रहा है आपको, उसकी तैयार हो चुका है। जैसे ये लंबे टाइम तक ये बने रहते हैं, ये ऐसे इस तरह से ब्राउन हो रहे हैं ऊपर से, ठीक है, तो ये लंबे टाइम तक बने रहते हैं। तो अगर ज़्यादा जो ब्राउन हो रहे हैं ये ऐसे, तो ये सीड तैयार ही होता है। तो इनका सीड तैयार भी, इनका सीड आप चुन सकते हैं और उसे धूप लगवाइए, तो धूप लगवा के सुखा लीजिए और स्टोर कर लीजिए। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट पे ढेरों हिबिस्कस आते रहें, तो 5-7 मुट्ठी इस टाइम आप गोबर की खाद इसमें डाल दो, तो गोबर की खाद में बहुत कुछ होता है। बाकी लिक्विड फर्टिलाइज़र तो आप हर हफ्ते डालते ही होंगे। अगर आपके इस तरह से फ्लावर्स अभी ढेरों खिली रहे हैं तो कुछ दिन रहने देना चाहते हैं, तो फिर आप रहने दे सकते हैं। तो इसके फूल अक्टूबर में भी खिलते रहते हैं। बाकी जो मेरे बहन भाइयों के यहाँ ये समर पॉइंट सिटिया लगा है, तो इसके जो सीड हैं ये तैयार हो गए हैं, ये देख रहे हैं ऊपर ये लग रहे हैं, तो ये तैयार हो गए हैं। तो इन्हें आप चुन लीजिए और रख दीजिए। तो ये आपके गार्डन में अगर ज़्यादा चाहते हैं, इनकी हेज बनाना चाहते हैं, तो ये बहुत खूब गर्मियों भर, ये पूरे गर्मी में जैसे बाहर ही रहते हैं, और फिर ये इस तरह से बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, तो हेज के तौर पर भी इन्हें लगा सकते हैं। बाकी मेरे बहन भाई जो जिन्होंने बॉक चोई तैयार की हुई है, पौध तैयार की हुई है, तो इस तरह की टोकरियां हैं आपके फूलों की जो होंगी खूब सारे। मेरे तो अभी खूब खिल रहे हैं, हालांकि इन पौधों की लाइफ, ये पुराने हो गए हैं काफ़ी, पर अगर आपके पास जो फूल नहीं खिल रहे हैं तो फिर मोस रोज़ को निकाल दीजिए और इनमें छोटी छोटी टोकरियों में जो है वो बॉक चोई बहुत अच्छे से चलते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे बहन भाइयों को जिनको सीड भेजा है तो बॉक चोई के भी दिए हुए हैं, तो अभी वो ग्रो कर सकते हैं। तो बस ये सब देख लेना है आपने, जो जो आपको लग रहा है कि प्लांट्स जो कम खिल रहे हैं तो उन्हें आप निकाल दीजिए, और ये जो घास फूस है तो इसे भी बेकार मत जाने दीजिए। नाइट्रोजन इसमें खूब होता है, तो लिक्विड फर्टिलाइज़र इनका आप बना सकते हैं, जहाँ आप अपने कंपोस्ट बिन में इन्हें डाल सकते हैं। और ये जो गुलाब हैं आपके देसी वाले, तो मेरे अच्छे चल रहे हैं, तो दूसरे वाले तो अभी उनको मेरे प्रॉब्लम रहती हैं, तो सर्दियों में ठीक होते हैं। तो ये देसी वाले जो अभी खूब खिल रहे हैं, तो इनमें जो 5-7 मुट्ठी आप गोबर की खाद अभी डाल सकते हैं। तो ये सब जो टोकरियाँ इतनी पड़ी हुई हैं, तो आपके इतने जो गमले हैं बच जाएंगे, दूसरे सारे प्लांट्स जो हैं उनमें तैयार हो जाएंगे, वो कर सकते हैं। और ये जो आपके खिल रहे होंगे फूल, इसमें भी सीड खूब सारा तैयार होता है, ये आप देख रहे हैं, तो ये छोटे छोटे पॉट में भी ग्रो हो जाते हैं। तो अभी फूल बहुत आ रहे हैं, अगर ज़्यादा सारे प्लांट्स लगे हैं तो फिर उनको भी निकाल दीजिए। तो सीड आपको जितने चाहिए, जो फलियां पक गई हैं, ये इस तरह से ये फलियां हरी हैं अभी, जो पक गई हैं उनको चुन लीजिए जितने चाहिए, और बाकी निकालना चाहे तो निकाल दीजिए। तो मैं तो इन्हें निकाल के हर बारी जो नया लगाती हूँ। बाकी मैं ये मैक्सिकन पिटूनिया भी बहुत सारे ज़्यादा नहीं रखती हूँ, तो मैं कुछ एक बैग रखूँगी, बाकी मैं सारे उनकी मिट्टी भी निकाल के वो फिर आगे आने वाले प्लांट्स के लिए इस्तेमाल करूँगी। तो ये जब मर्जी इनकी कटिंग तैयार कर लो, खूब सारे ढेर सारे ये तैयार हो जाते हैं, तो इस तरह से भी कर सकते हैं आप। बाकी मेरे बहन भाई जो कॉस्मोस ग्रो करना चाहते हैं, तो जहाँ कोई दूसरे, कॉस्मोस भी बड़ा हार्डी प्लांट है, तो कॉस्मोस को भी लगा सकते हैं। बस ऐसी जगह ऐसे लगा दीजिए गमले में, कोई साइड में जगह हो, तो ताकि जब तक इसकी पौध तैयार हो जाएगी तो आपके फिर कई सारे जो गमले खाली हो जाएंगे, मिट्टी भी आपको मिल जाएगी, तो फिर उस मिट्टी में आप इन्हें जो है तैयार पौध को फिर आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, और जल्दी आपके फ्लावर्स फिर आना भी स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर कुछ आप अक्टूबर में भी ग्रो कर सकते हैं। कई भाई बहनों के पास अगर बिंका के कई तरह के फूल नहीं हैं, तो अपने पड़ोस में देख लीजिए हैं, तो कटिंग अभी ग्रो कर दीजिए, आराम से इनकी कटिंग लग जाती है। ये कोरल फाउंटेन ग्रास को भी आप ग्रो कर दीजिए, तो इसमें भी जो है कुछ महीनों में फ्लावर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी जो ये टिकोमा बाइन, मैंने कई भाई बहनों के इनको जो सीड भेजे हैं, तो मैंने ये सीड से तैयार की हुई है, तो ये कुछ महीनों में इसमें देखो फ्लावर्स आना स्टार्ट हो गए हैं, तो इसको थोड़ा बड़ी बकेट में लगाइए, तो ये अभी आपके बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी, और कुछ महीनों में ये फूल देखो सारे फ्लावर बड्स आ गए हैं इसमें, पूरे आए हैं। तो आपके सामने मैंने ग्रो करना सिखाई थी, तो ये गौरी चोरी का जो प्लांट है वो, तो खूब सारे ढेरों फूल आए हैं। मैंने एक कटिंग से भी तैयार किया, मुझे डर था कि पता नहीं जल्दी फूल आएंगे कि नहीं आएंगे, बट इसमें तो कुछ महीनों में ही फ्लावर्स आ गए हैं, आना ये स्टार्ट हो गए, तो अभी लगा दीजिए आप।
बाकी कोक्सकोम पे बरसात के टाइम तो बहुत सारे कीड़े अटैक करते हैं, तो ज़्यादा जैसे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल मैं कर नहीं पाती, मैं तो ऑर्गेनिक ही बनाती हूँ। बट जब अगर बारिश आ जाती है थोड़ी देर के बाद, अब मैंने सोपी वाटर का इस्तेमाल किया तो फिर वो सारा हमारा बेकार चला जाता है। तो जब अगर बारिशें बंद होंगी तो सुबह सुबह आप इन पर कर सकते हैं, तो फूल बहुत इन पर अच्छे आ रहे हैं। और फिर पत्तियाँ भी जो ख़राब हो गई हैं वो तो ख़राब ही रहेंगी, जो न्यू ग्रोथ है फिर वो अच्छी हो जाएगी। तो ये सब कर सकते हैं। और ये जैसे फूल मेरे बहन भाइयों को के यहाँ बहुत सारे ये खिल रहे होंगे, जीनिया के फ्लावर्स ये जैसे खिल रहे हैं, तो इनमें भी आप जो है फ्लावर बर्ड्स भी ये देखिए नए नए आ रहे हैं, तो इनमें अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो इनमें भी आप 5-7 मुट्ठी जो अभी डाल सकते हैं। तो ये देखिए खूब फ्लावर बर्ड्स आ रहे हैं, ढेर सारे आ रहे हैं, तो ये काफ़ी दिनों से लंबे टाइम तक ये खिलते रहते हैं, तो इनमें डाल सकते हैं, पौधों में डाल सकते हैं। और इनमें जो कीड़े वगैरह लगते हैं वो फिर आप स्प्रे कर सकते हैं सोपी वाटर का, मैं तो वही ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ। अगर मेरे मुझसे कुछ और बन नहीं पाता है जल्दी में तो उन्हीं का मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो खूब अच्छे अच्छे लंबे टाइम तक इनके फूल जो खिल रहे हैं, और इनके फूलों को हटाना नहीं है, जब ये ड्राई हो जाएंगे पूरे प्लांट पे तो ये इनका सीड आप घर पे ही जैसे तैयार कर सकते हैं। मैं तो घर पे ही सीड इनका तैयार कर लेती हूँ, तो इनको हटाना नहीं है, तो बस यही सब आपने करना है। ये सब काम भी मैंने बता दिए आपको। बाकी जो करेले आपके जो सीड तैयार है वो आपके पास नहीं है तो बाज़ार में इस टाइम बहुत अच्छे, इस टाइम के बहुत टाइम लंबे टाइम से आ रहे हैं देसी करेले आते हैं, तो वो ले लीजिए और उनका सीड आप चुन के अपने गार्डन में तैयार कर सकते हैं, और फिर जब भी मौसम आता है तो आप उन्हें ग्रो कर सकते हैं। और तो और मेरे सिंघाड़े के प्लांट में भी कुछ दिनों से ये फूल आ रहे हैं, आज तो नहीं खिला खिला ये फ्लावर बड, ये देख रहे हैं, तो इसमें भी अगर आपके पास अच्छी गोबर की खाद है जहाँ बर्मी कंपोस्ट है तो वो कुछ एक मुट्ठी इसमें डाल सकते हैं। तो वाइट कलर के फूल होते हैं छोटे छोटे, मैं दिखाना भूल गई थी आपको, आज नहीं कोई खिला, पर ये फ्लावर वर्ड ये लगा है, ये देख रहे हैं ये ऐसे ये यहाँ लगा, यहीं पे खिलेगा ये। अगर आप ऑर्गेनिक चीज़ों का ही इस्तेमाल करते हैं तो आपके गार्डन की मिट्टी कभी भी ख़राब नहीं होती है, तो आप ज़्यादा उपजाऊ बनाना चाहते हैं, जो पुरानी मिट्टी है बहुत लंबे टाइम से आपने उसमें कुछ भी नहीं मिला रखा है, तो फिर उसमें उस मिट्टी को निकाल के बैग से या पॉट में से किसी में से भी निकाल के आप उसमें बस कुछ खाद मिला लीजिए, जो भी खाद हो। तो मेरे पास जो भी खाद हो जिस टाइम मैं वही मिलाना पसंद करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सोचती हूँ कि हर टाइम मेरे पास बर्मी कंपोस्ट होनी चाहिए या गोबर खाद होनी चाहिए। जब गोबर खाद होती है तो मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ, अगर बर्मी कंपोस्ट नहीं हो तो मैं उसके बिना भी चला लेती हूँ काम, और अपनी कंपोस्ट तो मैंने आपको बनाना सिखाया ही हुआ, तो वो सब चीज़ें बड़े ही कमाल की होती हैं। फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र के तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम कुछ भी बना के दे सकते हैं। बाकी मेरी किसी बहन ने पूछा है कि जो ये जैसे चावल के बैग होते हैं, आटे के बैग होते हैं, तो इन्हें खाली बिल्कुल भी फेंकिए मत, गंदगी फैलाने के बजाय बेटर है इन्हें कि आप अपने गार्डन में इस्तेमाल करें। तो ये देखिए मैंने जो ये कोसमोस है इस बैग में ये देखो लगा रखे हुए हैं, ये देखो इतनी सी मिट्टी है, ये मिट्टी देख रहे हैं तो फोल्ड करके, तो इनका इस्तेमाल अपने आप अपने गार्डन में कर सकते हैं, और इनका भार भी नहीं होता और ये अच्छे से प्लांट्स इनमें चलते हैं। बाकी ये कोरियोप्सिस जो है हमेशा गार्डन में बने रहने वाले ये फ्लावर्स हैं, तो ये ऑल सीजन एनुअल है, इन्हें आप अभी ग्रो कर दीजिए और ये कटिंग से भी तैयार हो जाते हैं। इन्हें कहीं अगर भारी बारिश हो रही है तो उससे बचाएं, तो फिर आप ऐसी जगह में रख लीजिए यहाँ पे सीधी बारिश ना पड़ रही हो, तो ये पौध तैयार हो जाएगी, और ये जितने मर्जी बस आपको पोर्ट्स चाहिए जितने मर्जी इनके जो प्लांट्स तैयार कर सकते हैं, और ये बहुत सारे जो है निकल आते हैं, इनके सीड अगर आप लगाएं तो अच्छे से निकल आते हैं। एक बात और है, मिट्टी अगर आपके उपजाऊ है, पहले से जो प्लांट्स लगे हैं बहुत अच्छे से चल रहे हैं, तो दोबारा फिर नई मिट्टी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो उन्हीं में ही दोबारा जो है पूरे ये सीजनल प्लांट्स लगा देती हूँ। अगर ज़रूरत हो पौधा अच्छे से नहीं चल रहा हो फिर मैं खाद देती हूँ, नहीं तो मैं ऐसे बिना मतलब के कोई खाद का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। बाकी फ्रूट वाले जो प्लांट्स हैं उनमें भी खाद डाल दीजिए। वीडियो लंबा हो गया है, मुझे माफ़ करना, बताने को भी बहुत कुछ है पर फिर और ज़्यादा वीडियो हो जाएगा लंबा।